बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने अंदाज से कुछ शेयर करने के लिए, जो कि है विंटर ड्रेस डिजाइनिंग, जो आपके काम बहुत आएगी। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। और अब चलते हैं फर्स्ट ड्रेस की तरफ। हाँ जी, तो ये है फर्स्ट ड्रेस, जो कि है खद्दर का। ये इसका प्रिंट है। ये आपको फुल ड्रेस दिखा रही हूँ मैं, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप ले लें, ठीक है? अच्छा, ये नीचे की तरफ आप देखिए, एक लेस लगी है, ये मैं आपको बाद में भी दिखाती हूँ। और ऊपर की तरफ मैं आपको सबसे पहले गला दिखाती चलूँ। गला बहुत सिंपल है, जो कि गोल है। ये देखिए, गोल गला और बे गला बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने तीन प्लेट्स लगवाई हैं, इस तरफ तीन है और इस तरफ तीन है। ये देखिए, उसी कपड़े की प्लेट सिलवा ली हैं। इसके नीचे से ना ये प्लेट्स लगाने से चुनटे पड़ जाती हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये बाजू मैंने बेल बॉटम रखवा के क्रोशे की लेस लगवाई है। यही मैंने नीचे भी सारी क्रोशे की लेस लगवाई है, सारी आउटलाइन नीचे यही लगवाई है। इसके साथ ब्लैक पैंट ट्राउजर लिया है, पैंट ट्राउजर है ये। जैसे पैंट की सिलाई होती है वैसी ही इसकी सिलाई है, ठीक है? अब ये जरा ऊपर देखिए, इसकी जो चुन्नटें पड़ी हुई है ये प्लेट्स की वजह से है, इसलिए ये ए लाइन फ्रॉक बना है। ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ है, डिसेंट सा लुक आता है। चलते हैं हम सेकंड ड्रेस की तरफ। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं हमारा सेकंड ड्रेस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ड्रेस है, बहुत अच्छा लगता है पहने हुए। इसका इन्होंने जो बनाया हुआ है बहुत ही अलग स्टिचिंग करवाई है। आपको ज़रा सही से दिखा दूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। अच्छा है, आप ये देखिए ज़रा क्लोज होके कि यहाँ पे मैंने नीचे क्रोशे की बारीक लेस लगवाई है, सारी की सारी लगी हुई है, ये फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और यहाँ पे मैंने फ्रंट रखा है एक इंच मैंने बड़ा रखा है पीछे का, बैक साइड की जो शर्ट है, और फ्रंट मैंने उसी का छोटा रखा है। और यहाँ पे क्रोशे की वही लेस मैंने बाजुओं में भी लगवाई है। ये देखिए, बाजू मैंने बेल बॉटम ही रखे हैं क्वार्टर साइज में, और गला यहाँ पे बना हुआ है वो जो होता नहीं वी शेप में, उस टाइप में। और ये देखिए जरा घेर कैसे जा रहा है, पूरी चौराई की तरह ये पूरा घेर जा रहा है। ये देखिए, पूरा पूरे 10 इंच ये बैक जो है हमारी लंबी है। ये आपको मैंने हैंग करके भी एक बार दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये अपने आप ही कोई प्लेट्स डलवाने की जरूरत ही पड़ती, ये ऐसे ही पहन के प्लेट्स से ऐसे लगता है कि प्लेट्स डली हुई है, फ्रॉक बना हुआ है। आप थर्ड ड्रेस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड ड्रेस, जो कि है ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगता है ये पहने हुए। शॉर्ट फ्रॉक ये बना हुआ है, इसमें मैंने बहुत ही ब्रीक काम करवाया हुआ है। आपको ये मैं क्लोज होके दिखाऊंगी, पहले आप ये ज़रा फुल देख लीजिए। हाँ जी, ये जरा देखिए, ये जो मैंने गला बनवाया है, गोल गला बना हुआ है। इसके नीचे ये जो पट्टी लगवाई है, इस पर मैंने गोल्डन और कॉपर कलर की तिल्ले की सिलाइयाँ लगवाई हैं, और दरमियान में कॉपर कलर के छोटे छोटे मोती लगवाए हैं। दरमियान में पहले लगवाया और साइड पे मैंने एक एक पट्टी लगवाई, एक इस साइड है और एक इस साइड है। ये देखिए, ये फुल बॉडी तक है, फोडी बेल बनवाई है मैंने, और नीचे कलियों का फ्रॉक कह लें, वो चादर नहीं बनवाते वो बनवाई है। ये देखिए, तीन सिलाइयाँ लगवाई हैं मैंने, ठीक है? ये देखिए, और इसी तरह की मैंने बाजुओं में भी लगवाई हैं। बाजू फ्लैपर है, ये देखिए, एक कॉपर कलर की, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, इस तरह की सिलाइयाँ लगी हुई हैं। नीचे ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ये बनी बनाई थी, ठीक है? इसके साथ ही फिर मैंने ये नीचे दोबारा से सिलाइयाँ लगवाई हैं। ये भी नीचे ज़िगज़ैग में सिलाइयाँ लगी हैं और लास्ट में भी लगी हैं। और इसके नीचे मैंने, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट हो गया था इसलिए थोड़े से पैच लगवा लिया मैंने नेट का, इसमें भी गोल्डन और ब्लू कलर का एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ताकि मेरा फुल फ्रॉक बहुत ही कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ जो मैंने कंट्रास्ट किया है वो ऑरेंज ट्राउज़र का किया है, ये ऑरेंज ट्राउज़र है, इस पर भी मैंने कॉपर कलर की सिलाइयाँ लगवाई हुई हैं। ये बहुत इजीली हम अगर बाज़ार में जाते हैं पीको करवाने, उनसे हो जाता है,
वो आपको कर देंगे। और इसके साथ मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया और उस पर मैंने इस मल्टी कलर की इस तरह की लेस लगवाई है। ये फुल ड्रेस है, 3 कलर्स में मैंने ये सूट सिलवाया। काम मैंने इसमें गोल्डन और कॉपर का करवाया है, लेकिन मैच मैंने इसे रेड और ऑरेंज के साथ किया है। चलते हैं अब फोर्थ ड्रेस की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं फोर्थ ड्रेस, जो कि है लॉन्ग फ्रॉक। पहले मैंने आपको शॉर्ट दिखाया था और अब मैं आपको लॉन्ग दिखाती चलूँ। ये लॉन्ग फ्रॉक है जिसमें केले बहुत ज़्यादा कलियाँ लगी हुई हैं, कलियों से बना हुआ फ्रॉक है ये। फ्रंट में आपको दिखाती चलूँ, बैन बनवाया है इंडियन। उसके साथ मैंने जो केले डार्किश पिंक कलर की पाइपिंग करवाई है, सारी जगह मैंने पाइपिंग करवाई है। फ्रंट पे मैंने उसके बटन्स लगवाए हैं पाइपिंग करवा के, ओपन फ्रॉक बना के। ये देखिए, ये देखिए, ये है पिंक कलर की पाइपिंग करवाई है सारी आउटलाइन, ठीक है। और दरमियान में पिंक कलर के ही बटन्स लगवाए हैं, बाजू में भी वैसी लगवाई है, फुल बाजू लगवाई है, टाइट बाजू नहीं होती वैसे। और उसके साथ ही इससे मैचिंग मेहरून ट्राउजर है, और जाहिर है सर्दी है तो इसलिए इसके लिए साथ मैंने छोटी शॉल रखी है मेहरून कलर की। ये है फुल ड्रेस, ये भी पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी शॉर्ट चल जाता है और कभी ट्रेंड लॉन्ग का आ जाता है, तो मैंने दोनों ही बना के रखे हुए हैं। और ये इसकी बैक है, आपको चुनरी दिखाती चलूँ कितनी ज्यादा इसमें डलवाई है। ये कम अज कम 2 कमीजों की खुला फ्रॉक बन जाता है अगर हम ये कपड़ा लें तो 2 कमीजों का कह कर ले, ताकि अगर हमें ये फ्रॉक बनवाना हो तो, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ ड्रेस की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको फिफ्थ ड्रेस दिखाती चलूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और डिसेंट ड्रेस है। ये नीचे जो लगा हुआ है ये इस ड्रेस का पैच था, और इसके साथ जो मैंने पाइपिंग करवाई है वो डार्किश ब्लू की है। जैसे कि आपको ड्रेस का पता स्काई ब्लू कलर का है, तो इस पे पाइपिंग मैंने डार्क ब्लू कलर की करवाई है, ताकि उसका कंट्रास्ट ज़रा उठ के आए। इससे बहुत ज़्यादा उठता है ड्रेस और बहुत खिलता है, इसलिए मैंने इस पे बैक पे करवाई है। और फ्रंट पे जाहिर पैच है, इसलिए फ्रंट पे मैंने पाइपिंग नहीं लगवाई, और इसी तरह बाजू में लगवाई है। शर्ट पूरी चिकन की है, इसलिए इसमें ज़्यादा काम की ज़रूरत ही नहीं थी। दरमियान में इसकी पट्टी लगी हुई है गले की, और ऊपर एक ऑरेंज कलर की टोरी लगवा ली, इंडियन बैंड लगवाया, ठीक है। ये देखिए, बाजू में भी मैंने वही करवाया, और इसके साथ ये देखिए डार्क ब्लू कलर की शॉल है, इसलिए मैंने पाइपिंग उस कलर की करवाई है। और जब मैंने इसकी बेबी को करवाई है, वो मैंने पिंक कलर की करवाई है। और इसी तरह का जो पैच है हमारे स्काई ब्लू की शर्ट के ऊपर, उस तरह के हमारे ट्राउजर में भी है। पैचेस साथ मिले थे, इसलिए ये मैंने ट्राउजर में लगवाए। ये बैक का और ये फ्रंट का, ये देख लीजिए, दोनों पजामे बहुत ही डिसेंट और बहुत सिंपल ड्रेस लगता है। चलते हैं अब हम सिक्स ड्रेस की तरफ। हाँ जी, ये मैं आपको थोड़ा सा फैंसी ड्रेस दिखाने जा रही हूँ। ये लीलन में है, ज़्यादातर मेरे ड्रेस लीलन में है, फर्स्ट जो खद्दर का था। अच्छा, अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखाती चलूँ। ये देखिए, ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ऊपर, और इसके नीचे मैंने 2 तरह के टसल्स लगवाए हैं। एक तो ये ऑरेंज कलर की है, और इसके साथ जो है ये जो मोती टाइप है, ये भी लाइट ऑरेंज कलर की। पाइपिंग मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर की करवाई है, क्योंकि ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ज़्यादातर ग्रीन कलर ज़्यादा उठ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसकी पाइपिंग ग्रीन कलर में करवाई है। और गला जो है वो ज़्यादातर ग्रीन कलर में ही शेड में आया हुआ है। बाजुओं में भी मैंने वही टसल्स लगवाए हैं, गला इंडियन बैंड बनवाया है, ठीक है। और इसके साथ ये देखिए, यही बाजुओं में मैंने वो टसल्स लगवाए हैं, और इस तरफ भी दरमियान। अब गला बहुत हैवी था, इसलिए मैंने गले में और कुछ लगाया नहीं, ठीक है। और जो पजामा था वो मैंने ज़रा फ्लैपर बाजू जैसे होते हैं वैसा मैंने ट्राउज़र बनवाया खुला, और वो भी ज़रा एम्ब्रॉयडरी वाला है, छोटी छोटी बूटियों वाला। अच्छा, इस तरफ मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ। दुपट्टा भी
सेम मैंने मगजी जो पाइपिंग करवाई है शर्ट में, वही दुपट्टे में करवाई थी ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर मैंने वही टसल्स लगवाए हैं। अब मैं आपको लास्ट ड्रेस दिखाने जा रही हूँ। हाँ जी, लास्ट ड्रेस बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारा ड्रेस लगता है, थोड़ा सा फैंसी ड्रेस भी हो जाता है, किसी ओकेजन में पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, आपको नीचे दिखाती जानू तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ जो मैंने छोटे छोटे से टसल्स लगवाए हैं, ये देखिए मल्टी कलर के। सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर मल्टी कलर की पाइपिंग करवाई है ये चारों तरफ, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने इसमें छोटे छोटे मल्टी कलर के टसल्स लगवा लिए। और ये इसका फ्रंट है, फ्रंट ज़्यादातर नीचे देखने ज़्यादा मल्टी कलर्स में आ रहा है, लेकिन जो ऊपर जो गैप में छोटे से स्किन कलर में आ रही है, सिर्फ उसके ऊपर हैंडमेड काम हुआ है, ये देखिए ये हैंडमेड काम हुआ है, और इस पर मैंने बे गला बनवाया है ताकि ये जो काम हुआ है ज़्यादा अच्छा उठा के निकल के नज़र आता है। सिंपल मैंने बाजू बनवाए हैं किच बटन लगवा के, ठीक है, फिर ज़्यादा हैंडमेड काम जो है ना वो इसी तरह नज़र आएगा जब मैंने ऊपर गले में भी कोई ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं करवाया, सिंपल रखा। एयरलाइन रखा हुआ है, और इसके साथ अगर जाहिर लॉन्ग शर्ट थी मेरी तो मैंने इसके साथ चूड़ीदार पजामा बनवाया है, ये इसलिए मैंने आपको सारा सही खुल के दिखा दिया ताकि आपको इजी हो। ये चूड़ीदार पजामा है, ये चुनटे बन जाती हैं इस, तो फिर ये पजामा नॉर्मल बन जाता है, ये देखने में लंबा लगता है। और इसके साथ ही जो मैं आपको दिखाती चली हूँ दुपट्टे, दुपट्टे मैंने दो तरह की वो करवाई है पीको, एक तो छोटी छोटी बारीक मोती की है, और जो पल्लुओं में है वो इस तरह बड़े बड़े टसल्स वाली है। सर पे लेते वक्त मोती आते हैं, और नीचे पल्लुओं में जो मोती गिरते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही आपको बाकी ड्रेस दिखा चुकी हूँ, यकीनन आपको इसमें से कोई ना कोई आइडिया मिला होगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।